बिग बॉस में पुनीत सुपस्टा की दोबारा एंट्री की खबर सामने आई है। 7 जुलाई 2023 फुकरा इंसान के बाद पुनीत सुपस्टा बिग बॉस OTT2 में दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रतियोगी है, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें शो से बाहर कर दिया गया जो वैलिड नहीं था। पुनीत कुमार के कई फैंस ने जियो सिनेमा ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया और इस वजह से बिग बॉस देखना बंद कर दिया। आज हम बात करेंगे पुनीत सुपस्टा की बिग बॉस री एंट्री से जुड़ी खबरों और अन्य कलाकारों के बारे में अधिक जानकारी के बारे में। भगवान पुनीत पुनः प्रवेश समाचार। भगवान पुनीत के बेघर होने की वजह से शो की TRP कम हो गई और लोगों ने इसके बाद बिग बॉस के मीम्स बनाना शुरू कर दिया। एक्टर का वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया, बीबी और दो को मेरी वजह से TRP मिल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मुझे शो में रखे या नहीं और हर कोई उनका सपोर्ट कर रहा है। वास्तविक विचार, उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें वह कहते हैं अगर उनके साथ अन्याय होगा तो कोई भी बिग बॉस नहीं देखेगा। ये अपील करूंगा कि बिग बॉस OTT कोई ना देखे भाई। ये लाइन अब असली है और उनसे प्यार करने वाले लगभग सभी लोगों ने ये रियलिटी शो देखना बंद कर दिया है। बिग बॉस का शो कम हो गया है और कई फैंस ने इसे देखना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बिग बॉस OTT2 के मेकर्स पुनीत को वापस आने के लिए कह सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान पुनीत की धमाकेदार वापसी होगी। बिग बॉस OTT पुनीत 2 से क्यों बाहर हुए पुनीत सुपस्टा? लोकप्रिय स्टार पुनीत अब शो में प्रवेश करने के 24 घंटे के अंदर बिग बॉस OTT 2 से बाहर हो गए हैं। इस रियलिटी शो के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। घर में पुनीत का समय कम रहा लेकिन विवादों से भरा रहा। जब भगवान पुनीत शो में शामिल हुए थे तो उन्होंने अपने पूरे मुंह पर टूथपेस्ट लगाकर कुछ अजीब किया था। इसने बिग बॉस का ध्यान खींचा जिन्होंने उन्हें उनके व्यवहार और नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में चेतावनी दी। पुनीत ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और बिग बॉस ने जो कहा वह नहीं किया। पुनीत सुपस्टा लाइव रिकॉर्ड्स इंस्टाग्राम पर। कुछ दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एमसी स्टेन का मजाक उड़ाया था क्योंकि उन्होंने बिग बॉस शो में अन्य प्रतियोगियों के सामने पुनीत के कंटेंट को खराब बताया था। समझते तुम्हारे सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो। इस इंस्टाग्राम लाइव को लाइव देखने वालों की संख्या 700K से भी ज्यादा हो गई है, जो बहुत बड़ी है और इस समय बहुत कम अभिनेताओं की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन पिछले सीजन में लॉर्ड पुनीत ने एमसी स्टेन का समर्थन किया था और उन्होंने अपने प्रशंसकों से उनका समर्थन करने का अनुरोध किया था, लेकिन एमसी ने उन्हें धोखा दिया और यही कारण है कि वह और उनके फैंस स्टेन से नाराज हैं। कई फैंस अब कमेंट और DM में एमसी स्टेन को गाली दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुनीत से सभी मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया था।